में सुधार होगा और बिहार दिन दूनी रात चौगनी के हिसाब से आगे बढ़ेगा। तेजस्वी यादव ने भी हमसे बातचीत में कहा कि बड़ा खेला होने वाला है, इंतजार करते हैं। अब ठीक है, जो हम कहा था उस बात को दोहरा रहे हैं, अब किस आधार पर वो कहते हैं वो बताएंगे। वो नौकरी वो दे रहे थे कि नीतीश जी दे रहे थे, यही तो बात हो रही थी, काम करे कोई और नाम ले कोई। चलिए बोलिए। देखिए जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि काम करे कोई और नाम ले कोई, ये यही तो बात थी जो पशुपेश में डाल रही थी, यही बात तो थी जो नीतीश कुमार को साल रही थी। ब्रजमोहन जी, क्या जिस बात की तरफ तेजस्वी यादव जब मीडिया के सामने आए तो बहुत एग्रेशन नहीं था, बहुत सधे हुए शब्दों से, बहुत थम थम कर उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमने जो वादा किया था 17 महीनों में हमने वो काम किया, 17 महीने बनाम 17 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, अभी तो आगे ये साल 2024 जेडीयू खत्म हो जाएगी, लेकिन इस वक्त चिराग पासवान क्या कह रहे सुन लेते हैं। एनडीए की सरकार रखती है विकसित देश बनाने को लेकर, वो विकसित देश तभी बनेगा जब हर राज्य विकसित बनेगा, जिसमें बिहार यकीनन एक पिछड़े राज्यों में से आता है। मैं मानता हूं कि अब उसमें उन कार्यों को हम लोग धरातल पर उतार पाएंगे। क्या लगता है आपको, नीतीश जी भी एनडीए के खेमे में है, थोड़ी भी असहजता आपको होगी, आप कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है? मैं मेरे प्रधानमंत्री के साथ हूँ, उनकी सोच के साथ हूँ, एनडीए का हिस्सा हूँ, मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी आगे किन किन के साथ गठबंधन करती है वो जरूर राष्ट्र हित में देश हित में ये निर्णय लिए जाते हैं। देखिए इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता, चुनाव अवसर पर हैं, चुनावी दृष्टि से भी कई फैसले महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ते हैं, ऐसे में मैं पूरी तरीके से मजबूती से गठबंधन के साथ हूँ। आपको नीतीश कुमार के आने से लोकसभा चुनाव में फायदा होगा एनडीए को? फायदा नुकसान मुझे नहीं पता, बट हमारा गठबंधन और जरूर मजबूत होगा। तो हमारा चिराग जी, लेकिन जिस तरीके से नया कैबिनेट फॉर्म हुआ है, कैसे देखते हैं इस नए कैबिनेट फॉर्मेशन को? अभी तो कैबिनेट पूरी तरीके से पूरा स्वरूप अभी लेना बाकी है, अभी तो कुछ मंत्रियों ने ही शपथ ली है, पर उम्मीद नहीं, विश्वास है मुझे कि ये कैबिनेट, नया कैबिनेट जब तैयार होगा, इस बार 2 नए उप मुख्यमंत्री सामने आए हैं और दोनों युवा सोच रखते हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, ऐसे में मैं मानता हूं, जो मैंने बार बार कहा कि मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच को धरातल पर अब उतारने में बिहार में सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार अब बनी है, तो सोच को हम लोग धरातल पर उतार रहे हैं। भाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास गठन आज हुआ है बिहार के विकास के लिए, बिहार के तरक्की के लिए, बिहार में आपस में मिल्लत प्रेम भाईचारा का पैगाम और तेजी से आगे बढ़ाना है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को और आगे ले चलना है। आपने भी शपथ ले लिया? हाँ लिया। क्या लग रहा है कि अब ये डबल इंजन की सरकार हो गई है, अब कितनी मजबूती?